तो रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 17 और अभी हम पढ़ रहे हैं लेंसेज। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि इमेज कहां पे बन रही है और कैसी बन रही है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज भी देखेंगे कि रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है कि इरेक्ट इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है कि इनलार्ज्ड इमेज है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स। तो आज डायग्राम वगैरह बनाना है, पेंसिल रबर स्केल ये सब निकाल लो, ये तो है नहीं सर, तो ठीक है कोई बात नहीं, लाइन वगैरह खींचने के लिए कुछ निकाल लो और तैयार हो जाओ। यस, माई नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटिफुल सर चैनल फिजिक्स वाला। और शुरू करते हैं लेक्चर। आप हेडिंग लगा लो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस फॉर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो तो हम शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको कुछ नियम सीखने पड़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, कुछ रे डायग्राम के नियम सीखने होंगे, कॉन्वेक्स लेंस के नियम। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। पहला नियम देखो, पहला नियम ये कहता है कि मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, आपके सिलेबस में बहुत थिन लेंसेज हैं, तो आप चाहना तो एक स्ट्रेट लाइन बना लेना, वो भी लेंस कहलाएगा, ठीक है। इतने थिन लेंसेज सिलेबस में हम बना रहे हैं लेंस, पर हम भी सारा खेल इस लाइन से ही करेंगे, तो एकदम थिन लेंसेज हैं सिलेबस में, लाइक स्ट्रेट लाइन। तो पहला नियम ये कहता है कि मान लो यहाँ पे लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, इट पासेस अनडेविएटेड, बिना किसी रिफ्रैक्शन के, बिना इधर उधर मुड़े, सीधी सीधी चली जाती है। पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है, मान लो फिर से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, हम इस लाइन को यूज करेंगे वैसे लेंस की तरह, और मान लो कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। कैसे आ रही है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही, तो वो लेंस से टकराने के बाद इस पॉइंट से पास करेगी, जिसे हम बोलते हैं एफ टू या सेकेंड फोकस। आपको ये सब नहीं पता सेकंड फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, रे ऑप्टिक 16 लेंसेज इंट्रोडक्शन फिजिक्स वाला, वहां हमने लेंसेज की बेसिक समझाई आपको, ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह वगैरह। हाँ, तो क्या बता रहे थे, पहला नियम यह है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट पास करेगी अनडेविएटेड, दूसरा क्या है कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो पास करने के बाद, लेंस से पास करने के बाद एफ टू से पास करेगी, ठीक। तो इसी दो नियम से सारे रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएंगे। हम एक नियम और बता देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड, ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे होता है F1 फर्स्ट फोकस। अगर रे ऑफ लाइट फर्स्ट फोकस से होती हुई लेंस पर गई, तो लेंस से जाने के बाद वो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये दोनों नियम एक जैसे ही लग रहे होंगे देखने में। सेकेंड वाला क्या कह रहा है कि रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो पास करने के बाद, लेंस से पास करने के बाद एफ टू से पास करेगी। और तीसरा वाला ये कह रहा है हमसे नियम कि मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस तरफ होता है F1, अगर F1 से कोई रे ऑफ लाइट पास करती हुई लेंस से टकराई, तो लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं दोनों नियम से सारे रे डायग्राम बन जाएंगे। इसको नोट कर लें, फिर हम शुरू करते हैं कहानी। छाप लिया, पैरेलल आई तो F2 से पास, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड। अब हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इमेज कहां पे बन रही और कैसी बन रही, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू रूल्स। अच्छा, अब यहां पे आप जब रे डायग्राम बनाने जा रहे हो तो आप स्केल का जरा ध्यान रखना है, कुछ मेजरमेंट होनी चाहिए जो एक्यूरेट हो, वरना सही आंसर नहीं आएगा। हमें तो रिजल्ट पता है क्या आना है, अगर आप भी चाहते हो वो रिजल्ट आपको दिखे तो मेजरमेंट सही से करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केस वन की जगह हम केस टू ले रहे हैं, ठीक है, कुछ बात है, केस वन बाद में लेंगे, केस टू से शुरू कर रहे हैं, भरोसा रखो मजा आएगा। सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, या ऐसे बोल सकते हो ऑब्जेक्ट बिटवीन
इंफिनिटी एंड 2f1। एक 2f1 क्या है, पहले आप एक लेंस बनाना, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है। मैं भले ही ऐसे लेंस बना रहा हूं, पर आप क्या बनाना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, यही लेंस है, ये स्ट्रेट लाइन। फिर आप प्रिंसिपल एक्सिस बना लेना स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां से कुछ दूरी पे बना लेना, स्केल से मेजर करके कुछ दूरी पे बना लेना F1, ठीक है। जैसे मैंने यहां से मान लिया एक मार्कर की दूरी पे मैं बना रहे थे, यहां से एक मार्कर की दूरी पे हमने बना लिया, एक मार्कर की दूरी बना लिया F1। फिर उतनी ही दूरी पे बना लेना F2। जितनी दूर बने F1 उतनी ही दूर 2F1, वेरी सॉरी। इसी तरह से राइट साइड में आओ, एक मार्कर की दूरी पे मैंने बना लिया F2 और उतनी ही दूरी पे यहां से मैंने बना लिया 2F2। आप स्केल से ले लेना, 3 सेंटीमीटर पे F1, फिर 3 सेंटीमीटर पे 2F1, 3 3, ठीक है, बराबर दूरी पे। अब हमसे कहा ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्होंने हमसे बोला ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बियॉन्ड है, या ऐसे बोला बिटवीन इंफिनिटी, इंफिनिटी कहीं इधर होगा, और 2F1, 2F1 और इंफिनिटी के बीच में। तो हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, ऑब्जेक्ट के हेड को बोलो ए, टेल को बोलो बी। अब हमको इस पॉइंट से दो रेज निकालनी होगी तभी इमेज बन पाएगी। तो हम एक रे ले जा रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये लेंस से टकराने के बाद कहां से पास करती है, F2 से, तो F2 से पास करा दिया। यहां स्केल वगैरह का ध्यान रखना, मुझे रिजल्ट पता है मैं बता दूंगा ये इमेज बन रही, पर आप थोड़ा ध्यान रखना। दूसरी रे हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, एक क्या की हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, किससे पास की, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, कैसे पास होगी, अनडेविएटेड। तो एक हम पास करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये पास की अनडेविएटेड, ये इमेज बन गई, जहां पे दोनों रेस टकराएंगी, जहां पे दोनों रेस टकराएंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। तो एक ही इमेज बन गई यहां ए डैश, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो और ऊपर लिख दो बी डैश। ए से निकलने वाली दोनों रेज यहां पे मिली, तो ए डैश, ऊपर लिखो बी डैश और सीधी लाइन। देखो दो नियम यूज किए, एक रे पैरेलल ले गए फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया अनडेविएटेड। अब इमेज की बात करें कि इमेज कहां बनी है, इमेज कैसी है। पहली बात, इमेज कहां बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरी बात, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। बच्चों रियल वो होती है जहां रेस सच में मीट करें, और वर्चुअल वो जब रेस अपीयर टू मीट हो। यहां देखो रेस एक्चुअली मीट कर रही है, सच में मीट कर रही है, तो इमेज कैसी है, रियल है। अच्छा अब बताओ ये सीधी बनी है कि उल्टी बनी है, मेरे ख्याल से तो उल्टी बनी है भाई, ये सीधा है तो ये उसका उल्टा है, यानी इन्वर्टेड इमेज है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, एक होता है इन्वर्टेड, एक होता है अपराइट। अपराइट मतलब सीधा, ये अपराइट सीधी तो नहीं बनी, सीधी मतलब ऐसे ही बन जाती, नहीं उल्टा बनी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद भी रख सकते हो आप कि जब भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी। रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल हमेशा अपराइट। तो अगर रियल इमेज रेज एक्चुअली मीट कर रही है तो इमेज इन्वर्टेड। तीसरी पॉइंट बात करते हैं साइज की। तो क्या होता है जब आप अगर इसको स्केल वगैरह से बनाओगे तो आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि ऑब्जेक्ट से इमेज थोड़ी छोटी है। यहां पे भी दिख रहा है ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी है, तो इमेज इज डिमिनिश्ड, थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा हम फॉर्मूले से बात करें तो फॉर्मूला होगा मैग्निफिकेशन का, उससे हम पता लगाएंगे कितना छोटा है, क्या हुआ थोड़ा मतलब मैथमेटिकली। तो हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, देखते जाओ लीनियर मैग्निफिकेशन एम। बच्चों ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन। इससे आपको पता चलेगा कि इमेज ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद साइन। विद साइन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की हाइट को पॉजिटिव लो और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की हाइट को नेगेटिव। जैसे यहां पे आपसे पूछू मैं m का साइन क्या होगा, तो मेरे ख्याल से m का साइन यहां पे नेगेटिव होगा भाई, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 10 सेंटीमीटर और ये थोड़ा छोटा हो गया, तो मान लो 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे जब आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो हाइट ऑफ इमेज को आप -6 लोगे,
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव लेते हैं हाइट को, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप 10 लोगे तो कैसा आएगा? नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, एक बड़ा हिंट है। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज। नेगेटिव का मतलब ही क्या हुआ कि इमेज उल्टी बनी। मैग्नीफिकेशन जब भी नेगेटिव दिखे मतलब ये उल्टा बना है, नेगेटिव आया है। दूसरी बात, मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी कि 1 से छोटी होगी? मैग्नीट्यूड में मेरे ख्याल से छोटी होगी, क्योंकि ये डिमिनिश हो रहा है। हाइट ऑफ इमेज इज लेसर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देखो ना कितनी वैल्यू आ गई, -0.6, यानी मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है। अब जरूरी नहीं कि 10 6 हो, कुछ भी हो सकता है। इन शॉर्ट, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये इससे छोटा होगा तो रेशियो 1 से कम आएगा, तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज। और मैग्नीफिकेशन वैल्यू 1 से कम मतलब डिमिनिश्ड है इमेज, हाइट ऑफ इमेज छोटी है। क्लियर है? ये फर्स्ट केस था, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। सेकंड केस, फर्स्ट तो बाद में लेंगे। क्लियर है इतना? नोट कर लें, चलें केस नंबर थर्ड की तरफ। नोट कर लिया, मिटा लें। ओ चलते हैं केस थ्री की तरफ। चलो तो यहां पे हम लिखते हैं केस थ्री, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 था, अब हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट एट 2f1। ऑब्जेक्ट 2f1 पे ही पहुंच गया, ठीक है। हम धीमे धीमे ऑब्जेक्ट को इस तरफ लेके जाएंगे लेंस के पास। तो यहां पे आप पहले लेंस बना लो, ये बन गया। वैसे तो स्ट्रेट लाइन को ही लेंस की तरह डील करना है। ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां से एक मार्कर की दूरी पे बना लेते हैं हम f1, फिर एक मार्कर की दूरी पे बना लेते हैं हम 2f1। इस तरह से इस तरफ एक मार्कर की दूरी पे f2, और फिर से एक मार्कर की दूरी पे 2f2। तो मैं तो अप्रोक्स बना रहा हूं, आप कोशिश करो स्केल से मेजर करके एग्जैक्ट दूरी बनाओ, ठीक। पिछली बार ऑब्जेक्ट कहां था? यहां था, बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बनी थी? यहां बनी थी। अब ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आए, कहां ले आए? 2f1 पे, ऑब्जेक्ट एट 2f1। अब ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, ए बी, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाया। बच्चों जब आप ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाओगे ना तो इमेज भी इधर आगे बढ़ेगी, धीमे धीमे आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाओगे, धीमे धीमे इमेज इस तरफ भागने लगेगी। क्लियर हो रहा है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखा, इमेज यहां बनी थी, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाया, इमेज यहां जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाओगे इमेज और आगे जाएगी, और इमेज की साइज धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, जितनी बातें नहीं नियम लगाते हैं। यहां से एक रे हम पैरेलल लेके आए प्रिंसिपल एक्सिस के, किससे पास करेगी? फोकस से। इस केस में जो इमेज बनती है वो 2f2 पे ही बनती है, रिजल्ट हमें पहले से पता है। रे डायग्राम मैनेज करना होगा, यानी यहां पे ही दो रे स्कैंड्स कटेंगे एक दूसरे से, ये करीब मान लो, चलो ये मान लेते हैं यहां पे 2f2 मान लो, ठीक। रिजल्ट इसका पहले से पता है, अगर आप प्रॉपरली मेजर करके बनाओगे तो जहां पे ये दोनों रेस कट रही हैं वो 2f2 के एग्जैक्टली नीचे हो। सो दिस इज ए डैश, यहां से स्ट्रेट लाइन खींच दो, दिस इज बी डैश, इमेज बन गई। अब आप रिजल्ट लिखोगे, इमेज इज, कंक्लूजन लिखते हैं चलो, इमेज इज पहली बात फॉर्म्ड एट 2f2, समझे? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर लाओगे वैसे वैसे इमेज भी इधर भागेगी। पिछली बार इमेज यहां बनी थी, पिछली बार इमेज कहां बनी थी? यहां, अब यहां पहुंच गई, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज, जो इमेज की साइज है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो इमेज सेम साइज की बनेगी। तो अगर आप मेजर करोगे स्केल से बना के, तो इमेज क्या बनेगी? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ना ही डिमिनिश होगी ना ही मैग्नीफाई। तीसरी बात, इमेज कैसी है? रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, रेज एक्चुअली मीट कर रही है, और इन्वर्टेड दिख रही है आपको, उल्टी हो गई है, इन्वर्टेड, ठीक है। चौथी बात, इसी की बात करते हैं, इसको ऊपर नीचे कर लिया जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है क्योंकि रेस सच में मीट कर रही, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी, सेम साइज। चौथी बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। बच्चों मैग्नीफिकेशन की बात करें हम, तो मैग्नीफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो इमेज क्या हो जाएगी? -5 सेंटीमीटर। बड़ा ही प्यारा केस है जब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज बराबर हो। ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज।
बस साइन का चेंज होगा, ये 5 माइनस 5 तो ये 5 माइनस 1, बोलो सही है, ये उल्टा बना है तो माइनस लेना पड़ेगा, सो मैग्निफिकेशन इस टाइम माइनस 1 आएगा फॉर श्योर, नोट कर लें। पिछली बार इमेज क्या थी, डिमिनिश्ड, इस बार क्या हुई, सेम साइज है ना, मतलब इमेज की साइज बढ़ रही है, डिमिनिश्ड छोटे से सेम साइज पे आई, अगले केस में मैग्निफाई हो जाएगी और उसके अगले केस में हाईली मैग्निफाई, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट इधर आएगा, धीमे धीमे इमेज इधर जाएगी और इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। मिटा रहे सब, धीमे धीमे करते करते आपको भी समझ में आने लगेगा, पूरी पिक्चर दिखने लगेगी इसके अंदर। मिटा रहे क्या इसको, नोट कर लो। चल अब चलते हैं केस फोर्थ की तरफ, केस फोर्थ ऑब्जेक्ट को और थोड़ा मूव करते हैं, केस फोर्थ ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, फिर से यहां पे मिरर बना लेते हैं, सॉरी लेंस बना लेते हैं, लेंस से डील कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां से एक मार्कर की दूरी पे बना लो F1, एक मार्कर की दूरी पे फिर से बना लो 2F1, इधर भी एक मार्कर की दूरी पे F2, फिर एक मार्कर की दूरी पे कहां पे ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन 2F1 एंड F1, पहले ऑब्जेक्ट यहां था बियॉन्ड 2F1, फिर यहां आया, अब इनके बीच में ऑब्जेक्ट धीमे धीमे लेंस की तरफ भाग रहा है, इसकी इमेज बनानी है, अब पता है पिछली बार इमेज यहां बनी थी फर्स्ट केस में, फिर इमेज यहां बनी, अब इमेज बाहर चली जाएगी, एक रे यहां से पैरेलली किससे पास करेगी, फोकस से, और एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, ठीक है, ये मैं कह रहा हूं आप स्केल से बनाओगे तो एग्जैक्टली सही आएगा, या थोड़ा अप्रोक्सीमेटली सही आ रहा है, ये बनी इमेज, तो एक ही इमेज यहां बनी ए डैश, इसके जस्ट ऊपर आप बना लो क्या क्या बना लोगे, बी डैश, तो इमेज कहां बनी इस बार, बियॉन्ड 2F2, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज गोज बियॉन्ड 2F2, तो आप लिखेंगे इमेज इज, जब आप स्केल वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो एग्जैक्टली सही दिखेगा आपको, अपने आप ये बियॉन्ड 2F2 चली जाएगी, सो इमेज इज फर्स्ट फॉर्म बियॉन्ड 2F2, दूसरा पॉइंट इमेज की जो साइज है वो थोड़ी सी बढ़ गई, देखो ये थोड़ा छोटा है, थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इमेज इस बार थोड़ी सी इनलार्ज है, या पहले लिख लेते हैं हम रियल एंड इनवर्टेड, तो दिख ही रही है आपको उल्टी है, तीसरी बात थोड़ी सी इनलार्ज है, आप ये देखो कहानी चल रही है, आप इसको फील कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा, वरना रटना पड़ेगा, इसको फील कर लोगे अपने आप, याद देखो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2F1 था, इमेज कहां बनी थी, बिटवीन F2 एंड 2F2, छोटी बनी थी, डिमिनिश थी, उल्टी तो बनी रही है, फिर ऑब्जेक्ट 2F1 पे आया तो इमेज यहां से यहां भाग गई और इमेज की साइज बढ़ गई, कैसी हो गई, सेम साइज की हो गई थी, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 आया, इमेज यहां से और दूर भागी, देखो पहले इमेज यहां बनी, फिर थोड़ी बड़ी हुई यहां बनी, फिर यहां बाहर भागी, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 रखा, इमेज बाहर भागी और इनलार्ज भी हो गई, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इधर ला रहे हो, इमेज इधर जा रही है और इमेज का साइज बढ़ रहा है। चौथा पॉइंट आएगा मैग्निफिकेशन का, तो यहां पे भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ये तो सबको समझ में आई गया होगा, m = hi/ho, hi नेगेटिव है दिख रहा है, ho पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी इस बार वो ग्रेटर देन 1 होगी, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज वैल्यू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, जैसे इस बार ये 5 होगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 8 हो, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ओवरऑल जो आंसर होगा 1 से बड़ा, हाँ नेगेटिव में ही होगा, अभी भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि उल्टी बन रही इमेज, क्लियर है, नोट कर लें, नोट कर लिया, अब ऑब्जेक्ट और आगे ले जाएंगे, ये देखो ऑब्जेक्ट यहां रख चुके बियॉन्ड 2F1, फिर कहां ले गए 2F1, बिटवीन 2F1 एंड F1, अब कहां आएगा F1 पे, इमेज और पीछे जाएगी और बड़ी हो जाएगी, देखा जाए, चलो देखते हैं केस 2, 3, 4, अब केस 5, केस 1 छोड़ा हुआ है ना, केस 5, केस 1 बाद में करेंगे, ऑब्जेक्ट एट F1, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, इमेज बच्चों इंफिनिटी पे चली जाती है, ठीक है, देखते हैं आप कैसा होगा, ये लेंस ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस,
ये ऑप्टिकल सेट है, यहां से एक मार्कर की दूरी पे बना लो F1, फिर एक मार्कर की दूरी बना लो 2F1। देखो ये अप्रोक्सीमेटली बना रहे हैं इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, ये एक मार्कर की दूरी पे आप बना लो F2, फिर एक मार्कर की दूरी पे आप बना लो यहां से 2F2। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, F1 पे आ गया, यहां ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया A B। चलो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, इस बार स्टार्ट करते हैं। एक रे पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से किससे पास करेगी, फोकस से, और एक रे पास करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। हमने ध्यान से देखा कि ये दोनों रेस जो जा रही हैं, ये दोनों रेस जो जा रही है बच्चों, ये पैरेलल रेस है। कैसी रेस है, पैरेलल। और पैरेलल रेस कहां मिलती है, पैरेलल रेस कहां मिलती है, पैरेलल रेस मीट एट इंफिनिटी, यानी ये जब मिलेंगी तो कहीं दूर इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी और वही इमेज बनेगी। तो लगातार मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा, इमेज यहां बनी थी बिटवीन F2 एंड 2F2, ऑब्जेक्ट 2F1 पे आया, इमेज 2F2 पे आ गई, ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच आया, इमेज बियॉन्ड 2F2 चली गई, ऑब्जेक्ट F1 पे आया, इमेज बहुत पीछे, बहुत पीछे, समझ रहे हो, बहुत पीछे, कहीं बहुत दूर चली गई, कहां पे, इंफिनिटी के पास बनी थी जाके इमेज, बहुत पीछे, समझ रहे हो। अच्छा कैसी बनेगी, कैसी मतलब, मतलब बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी कि नहीं, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। ठीक, तो सोचो जब ये दोनों रेस कहीं दूर जाके, इस बोर्ड से भी दूर कहीं जाके जब मिलेंगे बच्चों, कहीं जाके दूर एकदम इंफिनिटी पे जाके मिलेंगी, तब मेरे ख्याल से यहां वो पॉइंट आएगा ए डैश, और ऐसे बनेगी इमेज बी डैश। खैर बनाना गलत है क्योंकि इन्फिनिटी हमें नहीं पता कहां पे, पर जब भी ये मिलेगी बच्चों तो ऐसे ही तो मिलेगी, तो ए डैश यहां बी डैश यहां, यानी रियल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे जाके, ये रेज एक्चुअली मिलेगी। अब देखा किसने है, नहीं देखा, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, बट देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे सही होगा कि एक्चुअल में क्या होता है कि इन्फिनिटी पे नहीं बनती है, काफी दूर बनती है रियल लाइफ में, एकदम ये सीन नहीं रिपीट होता, आइडियल सिचुएशन रिपीट नहीं होती, प्रैक्टिकल सिचुएशन होती। प्रैक्टिकल सिचुएशन देखा गया कि ये मान लो जैसे लेंस का फोकल लेंथ, मान लो आप सपोज करो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, तो इमेज बन रही है मान लो आपकी एट 10 मीटर्स, इसके अब 10 सेंटीमीटर के आगे 10 मीटर कैसा हो गया, इन्फिनिटी या 100 मीटर्स दूर बन रही है इमेज, एक्चुअल में थोड़ी ना कि इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, एक्चुअल में मान लो ये 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, तो इमेज बन रही है मान लो 100 मीटर दूर, 100 मीटर कितना हो गया, 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर हो गया, 10,000 इतनी दूर, 10 सेंटीमीटर गया, 10,000 सेंटीमीटर इनफाइनाइट था, तो कहीं दूर जाके देखा कि एक इन्वर्टेड रियल इमेज बन रही, काफी दूर और काफी लार्ज भी है। तो अगर हम बात करें इमेज की, तो हम तो आइडियली लिखेंगे, तो आइडियली हम लिखेंगे इमेज कहां बनी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सेकंड पॉइंट देखो, जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है इमेज हमेशा इंफिनिटी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, जब भी फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज इंफिनिटी पे, चाहे लेंस हो चाहे फॉर्म दैट इंफिनिटी। दूसरी बात, कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये एक सोची हुई कहानी बता रहे, अगर यहां से देखो दूर जाके जब मिलेगी तो उल्टी बनेगी, रियल बनेगी। तीसरी बात, हाईली इनलार्ज्ड या हाईली मैग्निफाइड लिख दो, इनलार्ज्ड लिख दो, मैग्निफाइड लिख दो, हाईली मैग्निफाइड या इनलार्ज्ड, काफी बड़ी बनेगी। चौथी बात, मैग्निफिकेशन की बात करो तो मैग्निफिकेशन अभी भी नेगेटिव होगा, उल्टी बन रही है, और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो 1 से बहुत बड़ी होगी इस बार, हाईली इनलार्ज। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमने देखा ये बन रहा है 500 सेंटीमीटर बड़ा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज माइनस 500, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5, तो माइनस 100 आ रहा, 1 से काफी बड़ा बट नेगेटिव। ठीक, तो धीमे धीमे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा, धीमे धीमे इमेज इधर। अब मैं एक बार आपको यहां से रिपीट कर दूं, ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा था, इमेज यहां पे बनी थी रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, फिर ऑब्जेक्ट 2F1 पे लाए थे, इमेज 2F2 पे आ गई थी रियल इन्वर्टेड सेम साइज, फिर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 लाए, इमेज बियॉन्ड 2F2 आ गई थी रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, थोड़ी बड़ी होने लगी, देखो लगातार बड़ी, पहले डिमिनिश्ड थी, फिर सेम साइज हुई, फिर बड़ी हुई, फिर ऑब्जेक्ट फोकस पे ले गए, इमेज इंफिनिटी पे चला गया, हाई मैग्निफाइड।
पहले तो इमेज कह रही थी हम छोटे बनेंगे ऑब्जेक्ट से, फिर इमेज ने कहा हम तुम्हारे बराबर बनेंगे, फिर इमेज ने कहा कि हम तुमसे बड़े बनेंगे, फिर इमेज ने कहा हम आपसे बहुत बड़े बनेंगे। चले नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 6, लास्ट केस। केस 1 तो लास्ट में पढ़ नहीं है, लास्ट केस चले, केस 6 आ जाओ। ये कहानी अगर पकड़ लोगे तो ज्यादा आसान लगेगा, वरना फिर वही है टेबल बना के याद करो। केस 6, केस 6 है ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, बहुत स्पेशल केस है, बहुत स्पेशल यूनिक केस है ये। पहला ऐसा केस है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाएगा, और याद रखना वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स जल्दी बनाता नहीं, इसी एक केस में बनाता है, इसीलिए केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमने ले लिया लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां से एक मार्कर की दूरी पे F1 खींच लो, एक मार्कर की दूरी पे 2F1 खींच लो, इस तरफ एक मार्कर की दूरी पे F2 खींच लो, फिर एक मार्कर की दूरी पे 2F2 खींच लो। अब ऑब्जेक्ट कहां आ गया, बिटवीन F1 एंड O, ऑब्जेक्ट यहां था, फिर यहां आया, फिर बीच में आया, फिर यहां आया, अब यहां बिटवीन F1 एंड O। यार अब इमेज कहां जाए, मतलब इमेज इंफिनिटी तक जा चुकी है, अब कहां भेजोगे उसको, वो भी परेशान थे, अरे भाई हम लगातार दूर भाग रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट ऐसे ला रहा हूं ऐसे भाग रहे हैं, हम कहां जाए, हम तो इंफिनिटी तक जा चुके हैं। अब देखो इमेज क्या करने वाली है, उसके पास जगह ही नहीं उस तरफ जाने की। एक रे पैरेलल आई, कहां से पास की, फोकस से। एक रे कहां से पास करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्जिंग इन नेचर है, पैरेलल नहीं है, कैसी है, डाइवर्जिंग इन नेचर है, ऐसे। ये दोनों रेस में देखो दूरी बढ़ती जा रही है, और डाइवर्जिंग रेस कहां पे मिलती है बच्चों, इन्फिनिटी के, डाइवर्जिंग रेज बच्चों नेवर मीट, कहीं नहीं मिलेंगी, इनके बीच में जगह, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये कभी मिल नहीं सकती। तो हमने कहा इमेज नहीं बनेगी, इन्होंने कहा बनेगी, एक काम करिए आप इन रेज को प्रोड्यूस बैकवर्ड करिए, इन रेज को क्या करिए, प्रोड्यूस बैकवर्ड करिए, इन रेज को पीछे की तरफ ले जाइए, शायद पीछे कहीं मिल जाए। तो हमने कहा ठीक है ये कर लेते हैं, तो इसको भी पीछे ले गए, हम इसको भी पीछे ले गए, देखा यहाँ पे मीट, यानी अगर इसको हम ए बोले बच्चों, इसको हम बी बोले, तो ए से निकलने वाली रे ये चली गई और एक ये चली गई, दोनों एक्चुअली कभी मीट नहीं कर रही, बट दे अपीयर्स टू मीट एट सम पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि ये रेज यहां मीट करेंगी। यहां पे आप बना लोगे क्या, ए डैश, यहां से सीधी लकीर खींच दो, यहां क्या बन जाएगा, बी डैश, ये बन गई इमेज। यहां थोड़ी सफाई कर दे, ये मिल गए दोनों, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश, बोलो अब सही है। तो आप देख रहा है पहली बार सीधी इमेज बन के आई है, पहली बार, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेस कहीं नहीं मिलेंगी, प्रोड्यूस बैकवर्ड करके मिलेंगी। अब आप इमेज की कैरेक्टरिस्टिक लिखो, इमेज इज कहाँ बनी है, तो इमेज आप ये मत बताना F1 टू F1, बोलने को बोल सकते हो आप, ये बोलना इमेज इज, जो बेटर है बोलने को, ये फॉर्म ऑन सेम साइड As that of object, हाँ, जहां object है उसी तरफ image बन गई। अभी तक lens में opposite side पे image बन रही थी, अभी object के side में ही बन गई। दूसरी बात, क्या ये real image है, बिल्कुल नहीं बच्चों, ये एक virtual image है, जिसको आप screen पे obtain नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि rays पीछे कहीं से आ रही है, अगर आप यहां से देखोगे तो आपकी आंख आपको ये धोखा देगी कि यहां पे ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट थोड़ा ना, आपको इमेज दे, आप लोगों को यहां पे ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऐसा लगेगा। अच्छा बच्चों, वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है, सीधी दिख भी रहा है आपको, इमेज सीधी बनी है। चौथी तीसरी बात ये मैग्नीफाइड इमेज है, या आप बोल लो इनलार्ज इमेज है, है कि नहीं। चौथी बात, मैग्निफिकेशन की बात करें तो पहली बार मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहली बार हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, पहली बार ये पॉजिटिव हुआ।
और वैल्यू की बात करें मैग्निफिकेशन की तो ग्रेटर देन 1, मच मच ग्रेटर देन 1 मत बोलो, हाईली लार्ज नहीं है, सिर्फ इन लार्ज होती है। बोलो समझ में आया? सो एक लौता केस है ये कॉन्वेक्स लेंस का जहां पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, एक लौता केस है कॉन्वेक्स लेंस का जहां पे इमेज वर्चुअल और अपराइट है, वरना हमेशा कॉन्वेक्स में रियल और इन्वर्टेड होती है। एकमात्र केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन इमेज इज वर्चुअल अपराइट एंड इनलार्ज्ड। नोट कर लें स्पेशल केस। भाई जगह ही नहीं बची थी, आप ऑब्जेक्ट इधर ला रहे थे, इमेज इधर भाग रही थी, इमेज इंफिनिटी तक जा चुकी, अब कहां जाए, वापस पलट के नहीं बन गई। नोट कर लें ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ वन एंड ओ, इमेज कैसी है, वर्चुअल अपराइट एंड इनलार्ज। मिटा रहे इसको, पहला केस लें जो छूटा हुआ अभी तक, आ जाओ फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, फर्स्ट केस अभी समझ में आएगा लास्ट में क्यों लिया है, थोड़ी इसमें फील अभी आएगी। केस वन, कॉनकेव तो भाई 10 मिनट का, उसमें दो ही केस बनते हैं, परेशान नहीं हो, कॉन्वेक्स में केस बनते हैं। केस वन, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये मैंने छोड़ रखा था, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अभी याद दिलाते हैं। मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, आपको तो एक लाइन से समझना है सब कहानी, इतना पतला लेंस है कि लाइन के बराबर है, ये बन गई ऑप्टिकल सेंटर, एक मार्कर की दूरी पे F1 बना लिया, एक मार्कर की दूरी पे 2F1 बना लिया, एक मार्कर की दूरी पे F2 बना लिया, और फिर से एक मार्कर की दूरी पे 2F2 बना लिया। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं, तो हम इंफिनिटी नहीं लेते, हम आपको फील दिलाते हैं कि होगा क्या, ठीक है, हम इंफिनिटी नहीं लेंगे सीधा, हम फील दिलाते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट बच्चों यहां पे हो, इस जगह पे, ठीक, जब ऑब्जेक्ट आप इस जगह पे लोगे बियॉन्ड 2f1, एक पैरेलल लेंस फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास की, इमेज ये होगी, ठीक है, रियल इन्वर्टेड और थोड़ी सी डिमिनिश्ड बनती है। जब ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाते हैं, यहां लिया है, आओ देखें, एक ले तो यही वाली हो जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये कुछ फील हुआ, एक ले तो यही होगी सीधी वाली फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पे इमेज बन रही। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप दूर ले जाओगे, इमेज फोकस के पास भाग रही है और इमेज साइज में छोटी होती जा रही है। कैन यू फील दिस? मैंने पहले ऑब्जेक्ट यहां पर रखा, अभी मिटा दूंगा मैं सब, ऐसी बस समझा रहा हूं। तो एक रे पैरेलल ले गए फोकस से पास की, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास की, ये बनी इमेज, देखो पहली बार, एक रे ये बनी इमेज। दूसरी बार हमने ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर किया, एक रे तो यही वाली हो जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से ए ए ए ये। तो आप देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा, वैसे वैसे इमेज फोकस के पास आ रही है और छोटी होती जा रही है, काफी छोटी होती जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाए, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, इमेज इधर आ गई, देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाएगा, इमेज यहां से यहां आएगी, फिर यहां आएगी, फिर यहां आएगी, छोटे होते 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 जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाएगा तो इमेज फोकस पे आ जाएगी। वैसे तो ये फेमस है कि ऑब्जेक्ट एट फोकस होता है तो इमेज एट, सॉरी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से बच्चों पैरेलल रेज आती है, दुनिया जानती है बात, आप भी जान लो, इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज। और पैरेलल रेज कहां मिलती हैं सबको पता है, तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं रूल से, फोकस पे। तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो सर इतनी कहानी क्यों सुना रहे थे, पर ये तो हमें पता था, क्या बताया मैंने, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, पैरेलल रेज। देखो पैरेलल रेज कहां पे मिलती हैं, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से कौन सी रेज आती हैं, पैरेलल रेज, ठीक है, दोनों चीजें। पैरेलल रेज कहां मिलती है, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी से कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज। तो बच्चों ये पैरेलल रेज आई, और आप तो ये पढ़ ही चुके हो कि रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो लेंस से पास करके कहां पे मिलेगी, फोकस पे। तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। अभी बताते हैं क्यों बता रहे थे, धीमे धीमे आपको फील आएगा। इमेज इज, पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉर्मड एट फोकस, ठीक है। दूसरी बात देखो, सिर्फ फोकस लिखा हो तो F2 ही समझना, यही मेन फोकस होता है F2, F1 का इतना इंपॉर्टेंस नहीं। दूसरी बात,
इमेज कैसी है बच्चों? रियल, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही, एंड इन्वर्टेड। अब इस बारे में आप लड़ाई कर सकते हो कि सर इन्वर्टेड कैसे है, तो बहुत ही छोटी इमेज दिख ही नहीं रहा, ये इमेज क्या होती है? तो पॉइंट साइज की इमेज है, ये सीधी है कि उल्टी है पता ही नहीं। तो ये दिखाने के लिए हमने आपको पूरी कहानी बताई थी। कहानी में आपने देखा था ये एफ टू, ये टू एफ टू, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जा रहा था, इमेज पहले ये थी, फिर ये थी, फिर छोटी होते 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 होते, तो आप देख रहे हो कि इमेज जब लास्ट में बनी होगी तो इन्वर्टेड ही तो होगी। इन्फिनिटी के जस्ट पहले इमेज यहाँ पे इन्वर्टेड रही होगी, टेंडिंग टू फोकस, टेंडिंग टू फोकस, और अगर ऑब्जेक्ट टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो एक्चुअल में तो ये पॉइंट साइज है। पॉइंट सीधा है कि उल्टा है कुछ कह नहीं सकते, पर इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे आओगे तो इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आओगे तो इन्वर्टेड। तीसरी बात करें हम साइज की, तो बच्चों ये पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज इमेज है, या बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब बहुत ही छोटी है। चौथी बात कर ले हम लोग मैग्निफिकेशन की बच्चों, तो मैग्निफिकेशन अभी भी हम नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड हम मान रहे हैं। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू की बात करें तो मच मच लेस देन वन। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है, पॉइंट साइज। हाइट ऑफ इमेज इस टाइम टेंडिंग टू जीरो हो गई ना, तो मैग्निफिकेशन इज मच मच लेस देन वन। इस केस में मैग्निफिकेशन विल टेंड टू जीरो बट नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव साइड। मतलब मैग्निफिकेशन वैल्यू कुछ ऐसी होगी -0.0001, ऐसी कुछ नेगेटिव साइड से टेंड करेगा। क्लियर? बेसिकली क्या होता है, बहुत छोटी सी इमेज बन जाती है। मैं बता रहा, प्रैक्टिकल सिचुएशन अलग है, आइडियल अलग है, तो आप पढ़ लो। प्रैक्टिकली क्या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, वो दिखेगा ही यार। इन्फिनिटी का मतलब क्या? हिमालय भी यहाँ से इन्फिनिटी पे नहीं है, हमारे लिए स्पेन कुछ इन्फिनिटी है, तो मेजर्ड है। हमारे कोई तारा भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं, वो भी मेजर्ड है लाइट ईयर्स में, इन्फिनिटी है काम है नहीं। बट एक्चुअली क्या होता है, इस रूम पे मान लो मेरे पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और मान लो कि मेरे रूम के बाहर सड़क के उस तरफ एक पेड़ है, तो मेरे लिए वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। यहां से वहां 50 मीटर हो गया है, 10 सेंटीमीटर के लेंस के लिए ये क्या हो गया? इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो उसकी इमेज मैं यहां देखूंगा तो इन्वर्टेड एक छोटी सी बनी हुई दिखेगी मुझको, मतलब रियलिटी में एक उल्टी इमेज दिखाई भी पड़ती है। तो एक्चुअल में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है, एक्चुअल में इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं होता, काफी दूर होता तो उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, नोट कर ले। रटने की बात अलग है, समझो भी कहानी, ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है कहां ही नहीं, फिर दिखेगी नहीं, है ना। रोड के उस पार, जैसे मेरे घर के रोड के उस पार, घर कितना बड़ा, छोड़ो यहां से मान लो 100 मीटर पे 50 मीटर पे एक पेड़ है और यहां लेंस रखा, तो उसकी इमेज जो बनती है इस लेंस के थ्रू वो इन्फिनिटी जैसा ऑब्जेक्ट है। अगर छोटा लेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ वाला, तो हमारे लिए वो पेड़ क्या है? इनफिनिट डिस्टेंस में। उसकी इमेज यहां पे बनेगी फोकस पे छोटी सी इन्वर्टेड सी। क्लियर? मैग्निफिकेशन मच मच लेस देन 1। चलो, तो ये हो गए सारे केसेस। केस नंबर 1 हमने लास्ट में डिस्कस किया। केस 1 लास्ट में क्यों किया, आपको समझ में आ गया होगा, ये दिखाने के लिए कि इमेज इन्वर्टेड। तो आपने क्या देखा कॉन्वेक्स लेंस में, जल्दी से समराइज करते हैं फिर कॉनकेव पे चलते हैं, 10 मिनट की कहानी हो तो। कॉन्वेक्स में आपने ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से स्टार्ट, केस 1 से स्टार्ट करेंगे, पढ़ा तो ऐसे, अब केस 1 से स्टार्ट। तो हमने देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे है तो इमेज कहां बन रही? फोकस पे। कैसी? इन्वर्टेड और पॉइंट साइज छोटी सी, मैग्निफिकेशन मच मच लेस देन 1, पर इन्वर्टेड है। ठीक, फिर हम तो इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आए, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, इमेज कहां चली गई? F2 से थोड़ा आगे, बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी? अभी भी इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट आया, आप चाहो तो देखते जाओ केसेस कॉपी में, फिर ऑब्जेक्ट आया 2F1 पे, इमेज कहां पहुंच गई? 2F2 पे, सेम साइज हो गई। देखो इनफाइनाइट पे था तो पॉइंट साइज थी, थोड़ा आगे बढ़े तो डिमिनिश हुई, थोड़ा आगे बढ़े तो सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट गया 2F1 और F1 के बीच में, इमेज चली गई बियॉन्ड 2F2, इनलार्ज हो गई। फिर ऑब्जेक्ट आया F1 पे, इमेज चली गई इनफाइनाइट पे, हाईली मैग्निफाइड। फिर लास्ट केस है केस 6, ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में, इमेज इनफाइनाइट तक जा चुकी है, पलट कर वापस इधर आ गई। एकमात्र ऐसा केस जहां पे इमेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, अपराइट जिसको आप बोलते हैं, अपराइट और वर्चुअल और मैग्निफाइड। क्लियर है? पूरी कहानी एक बार देख ली आपने, फिर से पूरी कहानी आपने देख ली, ये मान लो लेंस है, कहानी आपने देख ली F1, 2F1, F2, 2F2, ये कहानी दिमाग में बसा लो,
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज यहां पे बनी पॉइंट से छोटी सी बनी होगी इन्वर्टेड ऐसे एक्चुअल में तो, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट कहां आया, बियॉन्ड 2f1, यहां ऑब्जेक्ट पहुंचा, इमेज कहां पहुंच गई, बिटवीन f2 एंड 2f2, थोड़ी सी साइज में बड़ी हो गई बट अभी भी इससे डिमिनिश है। फिर ऑब्जेक्ट पहुंचा एट 2f1, इमेज कहां बनी एट 2f2, सेम साइज की हो गई। फिर ऑब्जेक्ट पहुंचा बिटवीन 2f1 एंड f1, इमेज बियॉन्ड 2f2, थोड़ी सी मैग्नीफाई हो गई। फिर ऑब्जेक्ट पहुंचा एट फोकस, इमेज कहां पहुंच गई इंफिनिटी पे, हाईली मैग्नीफाइड हो गई। फिर ऑब्जेक्ट आया बिटवीन f1 एंड o, अब इमेज वहां तक तो जा चुकी है, इमेज पलट कर इसी साइड बड़ी सी बन गई। जब f1 और o पे लाओगे, स्पेशल केस बिटवीन f1 एंड o, सेम साइड क्या हुआ था, डाइवर्जिंग रेस आ गई थी, सेम साइड पे इमेज बन गई, कैसी वर्चुअल, क्योंकि अपीयर्स टू मीट थी रे, और सीधी तो अपराइट और मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड। अब कहानी समझ में आई, धीमे धीमे ऑब्जेक्ट इधर गया, धीमे धीमे इमेज देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2, ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f1, इमेज बियॉन्ड 2f2, ऑब्जेक्ट एट f1, इमेज एट इंफिनिटी। तो ध्यान से अगर आप देखो, मैं बता के जाऊंगा, बहुत मजेदार चीज है, ध्यान से आप देखो, जो मजा हमें मिला वो आपको भी मिला। ध्यान से आप देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक गया, ये वाला केस छोड़ो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस तक गया और इमेज फोकस से इंफिनिटी तक गया। पिक्चर समझ में आ रही, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से फोकस पहुंचा, इमेज फोकस से इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू एफ1, इमेज बिटवीन एफ2 एंड टू एफ2, ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एफ1 एफ1, इमेज बियॉन्ड टू एफ2, ठीक है। सोचना इसको आराम से, जितना हो सकता था आपको इमेजिन करा। अब हम चलते हैं बच्चों कॉनकेव लेंस की तरफ। अच्छा एक चीज देखा आपने कि कॉन्वेक्स लेंस सभी केस में इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, सिर्फ एक केस में बनाता है सीधी इमेज बिटवीन f1 एंड o। आओ कॉनकेव लेंस, इसमें यार ज्यादा केस ही नहीं बनते, दो ही केस बनते हैं। पहले इसके भी नियम सीख लो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। सर्वप्रथम नियम क्या है, वही ऑप्टिकल सेंटर वाला खेल। मान लो यहाँ पे कॉनकेव लेंस है, आप एक्चुअल में देख सीधी लाइन समझोगे, ये ऑप्टिकल सेंटर, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी तो अनडेविएटेड, बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट बेंड वगैरह कुछ नहीं होगी। दूसरा नियम क्या है, ध्यान से सुन लो, दूसरा नियम ध्यान से सुन लो, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्जेंट रे जब पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो सेकंड फोकस से आ रही। कॉनकेव का सेकंड फोकस इस तरफ होता है, मैं कह रहा अगर आपको ये सब नहीं आता तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, रे ऑप्टिक्स 16 लेंसेज इंट्रोडक्शन फिजिक्स वाला टाइप करके YouTube पे, बस ये दो नियम है, तीसरे नियम की जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। पहले दो नियम देख लो अच्छे से कि ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, दूसरा नियम एक पैरेलल रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के है तो लेंस से लड़ने के बाद डाइवर्ज होगी, और डाइवर्जेंट रे को जब पीछे प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो f2 से आ रही। कॉन्वेक्स में क्या था, लड़ने के बाद f2 पे मिल गई थी, यहां डाइवर्ज हो गई पीछे f2 से आती हुई दिख रही, इमेजिनरी फोकस होता है इसका। तीसरा नियम बता दे रहे पर हमें यूज नहीं करना है। तीसरा नियम क्या है कि अगर रे ऑफ लाइट f1 की तरफ जा रही हो या जाना चाह रही हो, जाना चाह रही हो, रे ऑफ लाइट f1 की तरफ जाना चाह रही हो तो लेंस से निकलने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, हम इसका इस्तेमाल नहीं करना, दो से काम बन जाएगा। पैरेलल थी तो डाइवर्ज हो गई, पीछे फोकस से आती हुई दिख रही है f2, इसका f2 इधर होता है f1 इधर, उल्टा है कहानी, ठीक है। और अगर फोकस की तरफ जा रही है तो लड़ने के बाद पैरेलल, चलो हमें ये दो नियम पकड़ने हैं, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड, पैरेलल डाइवर्ज पीछे फोकस। आओ इसमें भी हम केस लेते हैं, इसमें छह केस नहीं बनते, इसमें दो ही केस बनते हैं, इसमें दो ही केस बनते हैं। तो केस नंबर वन, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, कोई भी पोजीशन हो, f1 हो, 2f1 हो, बिटवीन f1 एंड 2f1 हो, बियॉन्ड 2f1 हो, बिटवीन f1 एंड o हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे पांचों केस यही आ गए, बस इंफिनिटी वाला केस छोड़ दो, बाकी सारे केस का आंसर एक ही है इसके केस में, बड़ा बढ़िया है ना, सिर्फ दो ही केस, कोई भी पोजीशन हो एक्सेप्ट इंफिनिटी। यहां पे हम मान लो कॉनकेव लेंस बनाएंगे, पहले स्ट्रेट लाइन खींच ली मैंने भी, आप भी ये करो, स्ट्रेट लाइन खींच लिया करो, हाँ ये कॉनकेव लेंस बन गया, ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर, इस तरफ
इस बार F2 इधर आएगा, ध्यान देना, इस तरफ एक मार्कर मेजर करके F2, फिर एक और मार्कर मेजर करके 2F2, ठीक है ना, इसका F2 और 2F2 इस तरफ होगा। चाहो तो उधर ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रे किधर से आ रही है इस पर डिपेंड करती है कहानी, ठीक है। रे आप किधर से लाओगे, इस तरफ से लाओगे तो फिर इधर ही बनेंगे F2 F2, ये बनेगा F2 और ये 2F2, जिधर से आप रेज लाओगे उधर ही इसका F2 और 2F2 बनता है, उस तरफ नहीं बनता, ठीक। अब मान लो हम यहाँ से कहीं पे भी कहीं ऑब्जेक्ट रख लो, जहां आपका मन, मान लो आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, वो तो खुद ही बोल रहे हो ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, तो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे, आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट इधर रखे, अरे इधर रखोगे तो इधर F2 टू F2 बन जाएगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे उधर ही F2 टू F2 बन जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा आपने, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट क्या करें, पैरेलल ले गए, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, पीछे से कहां जाती हुई लिखेगी, फोकस से, यही तो नियम है ना, ये ऑब्जेक्ट रखा आपने ए बी, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल ले गए, डाइवर्ज हो गई, डाइवर्जिंग रेस कहां से आती हुई दिख रही, फोकस, अभी वहीं अटके हो ना कि सर ये F1 होगा ये F2, नहीं, कॉनकेव के केस में तुम जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे अपने आप उधर F2 टू F2 आ जाएगा, रेज ऑफ लाइट जिधर से जाएगी उधर ही F2 और 2F2 बनते हैं, ठीक है। तो यहां से एक रे पैरेलल गई, डाइवर्ज भी पीछे कहां से आती हुई दिखी, फोकस से, दूसरी रे कहां से ले जाएं, ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो एक रे क्या ये रे एक्चुअली कभी मीट करेंगी, कभी नहीं, देखो एक रे ऐसे चली गई एक रे ऐसे जा रही, कहीं मीट नहीं करेंगे, डाइवर्ज हो रही है, बट पीछे प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे, इसको जब हम पीछे प्रोड्यूस किया यहाँ पे मिलती है, बात समझ में आ रही है, देखो ये कैसे लेंस होते हैं डाइवर्जिंग, एक रे पैरेलल आई डाइवर्ज हो गई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों रेस आगे कहीं नहीं मिलने वाली, डाइवर्जेंट लेंस होते हैं ना, डाइवर्ज करते हैं, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से एक पैरेलल आके रहेंगे, पर अगर इसको हम प्रोड्यूस बैकवर्ड करें तो ये दोनों रेस यहाँ पे मीट कर ली, तो एक इमेज यहाँ बनेगी ए डैश, यहाँ से सीधी लाइन खींच के नीचे बी डैश, तो इमेज इज क्या लिखोगे, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, ये लिखना, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे तो हमेशा इमेज 2F2 और F2 के बीच में बनती है, चाहो तो सॉरी F2 और वेरी सॉरी F2 और O के बीच में बनती है, चाहो तो लिख लो, जब इन्फिनिटी में जाओगे तो F2 पहुंच जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे इमेज धीमे धीमे इधर भागेगी और छोटी होती जाएगी, दोनों में कहानी है, यहाँ पे भी कहानी है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इस तरफ ले जाओगे ना इमेज वैसे वैसे इधर भागते हुए छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप इस तरफ भगाओगे वैसे वैसे इमेज इस तरफ भागते हुए छोटी होती जाएगी। चलो क्या लिख सकते हो, बिटवीन F2 एंड O। दूसरी बात, इमेज कैसी है, रियल है, बिल्कुल नहीं, अपीयर्स टू मीट है, तो कैसी हो गई, इन्वर्टेड है, सीधी बनी है तो अपराइट, साइज के बारे में क्या कमेंट है, छोटी हुई कि बड़ी हुई, छोटी हो गई तो डिमिनिश्ड। चौथी बात मैग्निफिकेशन की कर लें, तो मैग्निफिकेशन मेरे ख्याल से पॉजिटिव होगा, और वैल्यू की बात करें तो लेस देन वन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर, दोनों पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस बार दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो 2 बटे 4 कितना आया 0.5, बोलो सही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ 2 बटे 4, तो पहली बात तो पॉजिटिव है और दूसरा 1 से छोटा है। एक चीज याद कर लो चाहो तो, कॉनकेव जो होता है ना बच्चों, लेंस कॉनकेव लेंस जो होता है इसका मैग्निफिकेशन का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा, हमेशा, ये डिमिनिश्ड इमेज ही बनाता है। अरे यार देख तो लिया, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी, कहीं और रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं और रख दो, इमेज F2 और O के बीच में बनेगी हमेशा, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस ने भी बनाई थी ऐसी इमेज, पर वो इनलार्ज बनाता है, ये वर्चुअल इमेज या अपराइट इमेज, सीधी इमेज दोनों बनाते हैं, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, पर कॉन्वेक्स बड़ी बनाता है और ये हमेशा छोटी बनाता है। चलो इसका दूसरा केस ले लेते हैं, मिटा दे इसको, नोट कर लो, चले नोट कर लिया, नेक्स्ट केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पहला हो गया कहीं भी रख लो इंफिनिटी पे नहीं, अब कह रहे हैं चलो इंफिनिटी पे रख लो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच ली, ये लेंस बन गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक
तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर ले जाओगे वैसे वैसे देखो, जैसे मान लो आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखोगे तो इमेज मान लो यहाँ बनी, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज यहाँ बनेगी, 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 समझ रहे हो? जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओगे वैसे वैसे इमेज एफ टू के पास आती जाएगी और छोटी होती जाएगी, ठीक ठीक है, करके दिखा दें और फील ले लेते हैं इसका भी, करके भी देख लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। यहाँ से एक मार्कर के डिस्टेंस पे कोशिश करते हैं कि ये चीज एविडेंट हो जाए, और एक मार्कर डिस्टेंस पे 2f2 और कोशिश करते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं, पहले एक रे पैरेलल लाइन डाइवर्ज हुई, पीछे कहाँ से आती हुई फोकस से, एक पास करा दी ऑप्टिकल सेंटर से, ये बनी इमेज। अच्छा एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लेते हैं, एक रे पैरेलल ले गए डाइवर्ज हो गई पीछे एक से आएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी, देखो इमेज यहाँ पे आ गई, दिख रहा है? एक तो पैरेलल जाएगी डाइवर्ज होके पीछे, और एक हमने पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखो इमेज पहले यहाँ थी फिर यहाँ आ गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे ले जाओगे, ऑब्जेक्ट मान लो पीछे हम यहाँ रख दें तो इमेज कहीं यहाँ आ जाएगी, तो इमेज फोकस के पास जाती जाएगी और छोटी होती जाएगी। तो करते करते जब आप इंफिनिटी में पहुंचोगे बहुत दूर, तो इमेज छोटी होते 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 कहां पहुंच जाएगी? फोकस पे पहुंच जाएगी, पर इमेज सीधी बनी मानी जाएगी, भले ही पॉइंट साइज की बनेगी, है ना? इंफिनिटी पे जब चला जाएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज पॉइंट साइज की तो बनेगी, पर मानी जाएगी कैसी? सीधी, दिख रही है ना सीधी, यहां से F2, यहां से F2। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से कैसी रेज आती है बच्चों? पैरेलल रेज आती है, ये पैरेलल रेज आई, ये डाइवर्ज हो जाएंगी, पीछे से ऐसा लगेगा कहां से आ रही? फोकस से। इमेज कहां बन गई? फोकस से। सो इमेज इज पहला पॉइंट फॉर्म्ड एट फोकस, जब फोकस बोले अपने आप समझ जाओ ऑब्जेक्ट जब भी इंफिनिटी पे होता है इमेज फोकस बनती है। दूसरी बात बच्चों, ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि रेस अपीयर टू मीट है, एक्चुअल में तो डाइवर्ज होगी, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? अपराइट या इरेक्ट बोल, मतलब सीधी, और मैंने आपको दिखाया अभी सीधी इमेज है एक्चुअल में छोटी सी। यहाँ अभी भी आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सोच सकते हो कि एक्चुअल में तो इन्फिनिटी नहीं गया होगा, एक्चुअल में तो वो पॉइंट साइज होगी भी नहीं, वैसे तो हम बोल देंगे इमेज कैसी है? पॉइंट साइज, या आप बोल दो हाईली डिमिश्ड। चौथी बात करें हम मैग्निफिकेशन की बच्चों, तो मैग्निफिकेशन अभी भी पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि अपराइट है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू की बात करें तो मच मच लेस है। बस यही दो केस हैं, केस वन एंड केस टू, दो ही केस हैं इसमें कॉनकेव। कॉनकेव की एक कहानी समझ लो, जैसे मतलब बहुत डरो नहीं, एक लाइन याद कर लो कॉनकेव लेंस के लिए, एक लाइन याद कर लो। कॉनकेव लेंस एक तरह की इमेज देता है वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड, खत्म खत्म कॉनकेव लेंस, इसके सिवा कुछ नहीं दे सकता, वर्चुअल अपराइट हाईली डिमिनिश्ड इस केस में, और इसके सिवा कोई भी केस लो तो डिमिनिश्ड, वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड। हमेशा सीधी इमेज बनाएगा, हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, हमेशा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएगा, हमेशा बिटवीन एफ टू एंड ओ बनाएगा, हमेशा छोटा बनाएगा, क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लिया? देखो जाते हो तो चले जाना, लास्ट में एक बात सुनते जाना कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, इन्वर्टेड इमेज तो यही बना सकता है, इन्वर्टेड कोई भी कैटेगरी बोले, है ना, इन्वर्टेड और साथ में कैसी होती है रियल, इसमें कुछ भी बोले, वो डिमिनिश बोले, मैग्निफाइड बोले, सेम साइज बोले, ये सिर्फ कॉन्वेक्स, कॉन्केव के पास नहीं, कॉन्केव बस ये खत्म, एक तरह की इमेज वर्चुअल अपराइट डिमिनिश्ड। सी उल्टी इमेज की तो उम्मीद भी मत करो, वो कॉन्वेक्स, हाँ कॉन्वेक्स वर्चुअल अपराइट भी बनाता है, मतलब सीधी इमेज भी बनाता है पर इनलार्ज्ड बड़ी बनाता है। जब कॉन्वेक्स ने बनाई थी सीधी इमेज, कौन सा केस था? जब ऑब्जेक्ट कहां था याद करके बताओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, जब इसने वर्चुअल इमेज बनाई थी या अपराइट सीधी इमेज बनाई थी तो इसने बड़ी बनाई थी, ये डिफरेंस है दोनों में, और कॉनकेव जब बनाता है तो डिमिनिश्ड,
इन्वर्टेड इमेज की तो उम्मीद ही मत करो उससे, इन्वर्टेड तो पूरा कॉन्वेक्स के पास है, जो भी चाहिए इसमें आपको सेम साइज चाहिए मिल जाएगा, आपको क्या डिमिश चाहिए मिल जाएगा, आपको क्या हाई डिमिश चाहिए वो भी दे देंगे, केस बताते जाओ, सेम साइज 2f1 इमेज एट 2f2 डिमिश, बियॉन्ड 2f1 इमेज बिटवीन 2f2 एंड f2 हाईली डिमिश्ड एट इंफिनिटी तक दो ऑब्जेक्ट इमेज एट फोकस हाईली डिमिश्ड, आपसे बोल दे इनलार्ज चाहिए वो भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1 इमेज बियॉन्ड 2f1 हाईली इनलार्ज चाहिए ये भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट कहां पे रख दो फोकस पे रख दो सब मिल जाएगा, चाहो तो आप केसेस देखो ये सब आपने किया। तो इन्वर्टेड और रियल जैसी भी इमेज चाहिए वो कॉन्वेक्स दे सकता है, पर आप सीधी इमेज कॉन्वेक्स से मांगोगे तो हम कॉन्वेक्स कहेगा कि हम सिर्फ इनलार्ज दे सकते हैं सीधी, उल्टे में तो हमसे जो मांगो हम दे दें सेम साइज इमेज हाई डिफिनेशन लार्ज, बट सीधे में सिर्फ इनलार्ज, और सीधे में ये देते हैं डिफिनेशन। तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस होता है खत्म, नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।